चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जब कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ हर साल बढ़ती रहती है। अगर हम 2020 की कट ऑफ की बात करें तो इस साल जो कट ऑफ रही है वो 610 कट ऑफ रही है। जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूं। 2019 में ये 582 कट ऑफ थी। इसके बाद में 2018 की बात करें तो ये 536 थी। 17 में ये 562 थी और 16 में ये 512 थी। 2015 की बात करें तो ये 502 थी और 14 की हम बात करें तो ये 489 कट ऑफ थी। यानी कि ये कट ऑफ हर साल बढ़ती रहती है। कट ऑफ हर साल बढ़ती है तो इस कट ऑफ को देखते हुए, इससे जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है कट ऑफ का, इसको देखते हुए स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में है कि 2021 में ये कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों, जो कट ऑफ ने जो चरम सीमा थी वो पार कर ली है। अब इससे ज्यादा और क्या पेपर इजी आएगा और इससे ज्यादा क्या कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि इससे आप चिंतित ना रहें। आपका जो सिलेक्शन होना है वो रैंक के अनुसार होना है। जिस बच्चे की 15,000 रैंक है उसका ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने अपने उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि मेरे को अंडर 15,000 रैंक लानी है। पेपर चाहे कैसा भी है आए, पेपर चाहे इजी आए या हार्ड आए, लेकिन मेरे को जो रैंक लानी है वो 15,000 के अंडर रैंक लानी है, जिससे कि सिलेक्शन हो सके। अभी ज्यादातर हमारा ये रहता है कि हम सिस्टम को दोष देते रहते हैं, जैसे कि एनटीए ने पेपर इजी बना दिया इससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एनटीए ने पेपर हार्ड बना दिया उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आपको यहां बता दूं कि हमें सिस्टम को सुधारने की बजाय अपने आप को उस सिस्टम के मुताबिक ढालना है, उस सिस्टम के मुताबिक हमें चलना है। एनटीए पेपर इजी देता है, पेपर हार्ड देता है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी है। चाहे कितना ही इजी पेपर आ जाए या कितना ही हार्ड पेपर आ जाए, हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे ताकि 15,000 के अंडर रैंक में हम आ जाएं और हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। अभी एनटीए का पेपर देने का मतलब ये तो एक कंपटीशन है। आपको भी अगर बोल दिया जाए कि 10 बच्चों में से हमें 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो आप भी यही तरीका अपनाओगे। कंपटीशन का मतलब यही है कि इन 15-16 लाख बच्चों में से 70-80 हजार बच्चों को हमने सिलेक्ट करना है, तो यही एक कंपटीशन है। तो इसमें हम एनटीए को ये दोष न देते हुए कि पेपर हार्ड बना रहे हैं, पेपर इजी बना रहे हैं, हमने उस पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है ताकि हमें उन अंडर 15,000 बच्चों में आना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। ये तो एक तरीका है कंपटीशन का, सीटें फुल करने का, सीटें फिल करने का, कि काउंसलिंग के थ्रू हम किस प्रकार से सीटें हमने भरनी है, ये किस प्रकार से सीटें फिल करनी है, तो आपको इस कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये तैयारी करनी है। तो आपने इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आप अंडर 15,000 रैंक में आ सकें और अपने एक 2021 में सीट सिक्योर कर सकें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि हम सिस्टम को दोष न देते हुए सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को ढालना है, जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो दोस्तों, करते हैं तैयारी और ये ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मेरे को अंडर 15,000 रैंक में आना ही आना है और इस बार 2021 में सिलेक्शन लेना ही लेना है। ये टेंशन छोड़ दें, एनटीए पेपर कैसा देगा, कट ऑफ क्या जाएगी, इन सब बातों का ध्यान न रखते हुए आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि मेरे को अंडर 15,000 रैंक में आना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये बिल्कुल आप दृढ़ निश्चय के साथ स्टडी करेंगे और
अच्छी रैंक के साथ में 2021 में अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।